हेलो एवरीवन, चैप्टर फोर्थ एनसीईआरटी का पढ़ेंगे अब हम। क्लास सिक्स की एनसीईआरटी चल रही है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, इसमें क्या लिखा है। तो हमने जो पहले दो चैप्टर पढ़े उसमें हमने फूड के बारे में पढ़ा था और उसमें क्या विटामिन्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर हमने थर्ड चैप्टर में क्लॉथ्स वगैरह, फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद अब बात करेंगे कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेयर, टेबल, साइकिल, टॉयज़, वाटर, स्टोन, सब कुछ है हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। और ये डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट शेप्स का होता है, ठीक है। और जैसा कि और एग्जांपल इन्होंने दे रखे हैं और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि क्या क्या मटेरियल हमारे अराउंड होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स भी आप बोल सकते हैं इनको, जैसे रबड़ बॉल हो गई, फुटबॉल हो गया, ठीक है, एप्पल, ऑरेंजेस जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम जब चलते हैं फिर देखेंगे इस पैराग्राफ में वही जो हम स्कूल ले जाने वाली चीज़ें, लंच बॉक्सेस हो गए जिससे हम खेलते हैं, टॉयज़ हो गए, ठीक है। कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ जो है वो आपके क्लॉथ्स के बने होते हैं ना, टॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें सभी। तो उसके बाद और भी कुछ मटेरियल्स वगैरह होते हैं जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, ये सब सभी चीज़ें, ये मटेरियल जो है ये हमारे आसपास ही रहता है, ठीक है। एक्टिविटी वन की बात जब हम करते हैं तो इसमें जैसे क्लासरूम में जो हमारे पास मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताया हुआ है, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, ठीक है, नेल, फिर सॉप एंड स्पॉक्स ऑफ व्हील, बैट, मैटस्टिक, ये सभी सारी चीज़ें हमारे आसपास जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम क्लासरूम में नहीं लेके आ सकते, जैसे ट्रीज़ हो गए, है ना, और ट्रैक्टर हो गया, ये सभी चीज़ें बाहर होती हैं, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि आपको इन्हीं सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर जो है, जैसे मान लीजिए वुड से बनी हुई चीज़ें अलग एक कॉलम में लिखनी है, ठीक है, और दूसरे जो मेटल्स वगैरह की बनी हुई हैं उन्हें अलग लिखना है, फूड से बनी हुई चीज़ें अलग लिखनी है, तो ऐसे करके एक लिस्ट वगैरह बनानी है, ठीक है। तो ये तो कुछ काम का नहीं है इतना कुछ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो अभी आगे आएंगी, तो उन मींस जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जो टर्म्स इम्पॉर्टेंट है वो उसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो बस कुछ नहीं बताया हुआ इसमें, यही बताया है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे प्लेट होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक से, ना, पेन जो होता है वो प्लास्टिक एंड मेटल का बना होता है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं इस उसमें लिस्ट में, ठीक है। तो उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ें बता रखी हैं कि वुड से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, चेयर, टेबल, ठीक है, और पेपर से आपको सबको पता है बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, ठीक है, और लेदर वगैरह, प्लास्टिक और कॉटन के बारे में आप एग्जांपल सोच सकते हैं, और ये सभी बच्चों वाली बातें हैं। लेकिन आगे जाके अब जब हम देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जो टर्म्स इम्पॉर्टेंट है वो यूज़ होती हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कई बार तो सिंगल मटेरियल का बना हुआ होता है और कई बार काफ़ी मटेरियल का मिक्सचर होता है उसमें, ठीक है। जैसे सिंगल ऑब्जेक्ट से आप कुछ भी, जैसे वुड से आप सिर्फ एक चेयर बना सकते हैं ना, और चेयर को कुछ चेयर ऐसी भी होती है जिसके अंदर मेटल का यूज़ भी होता है एंड वुड का यूज़ भी होता है, ठीक है। तो एक भी सिंगल मटेरियल से भी आप कोई भी चीज़ बना सकते हो, और डबल मटेरियल या फिर मल्टी मटेरियल से भी आप कोई चीज़ बना सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, ये कहते हैं कि आपको ये बताना है कि जो हमारा टम्बलर होता है वो किस चीज़ से बना होता है, पहली बात आपको पता होना चाहिए। तो क्या हम टम्बलर को पीस ऑफ क्लॉथ से बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पीस ऑफ क्लॉथ में जो होते हैं, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, ये फैब्रिक का बना होता है और इसमें होल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम टम्बलर जो है वो पीस ऑफ क्लॉथ का बनाएंगे तो पानी जो है वो सारा बह जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए जो टम्बलर होता है वो हमारा ग्लास, प्लास्टिक, मेटल से बनता है ताकि वो पानी को अपने अंदर रोक सके, होल्ड कर सके, ठीक है।
और ये भी नहीं हो सकता कि जो हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं वो आपके पेपर के बना दिए जाएं, ठीक है? ऐसा तो फिर होगा ही नहीं। फिर पेपर, आपने कभी नोटिस किया होगा जब पेपर को आप पेपर के ऊपर पानी गिरता है तो कितनी जल्दी जो पानी वो हो जाता है ना, नीचे से ड्रेन होना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द मटेरियल्स फ्रॉम पेपर फॉर द कुकिंग वेसल्स, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, कुछ इसमें खास नहीं बता रखा, नेक्स्ट अपीयरेंस की बात करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स आने लग गई हैं। जब हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा वुड जो है वो डिफरेंट दिखती है आयरन से, ठीक है? और आयरन जो है वो डिफरेंट दिखता है कॉपर से या एल्यूमिनियम से, ठीक है? तो ये क्या दिखा रहा है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस दिखा रहा है, ठीक है? तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें जो है ये वुड से डिफरेंट है, ठीक है? वुड की अपनी अलग पहचान है, लकड़ की, जिसे बोला जाता है लकड़ी की, ठीक है? और जो ये लोहा वगैरह है, ये मेटल्स वगैरह हैं, जो इनकी जो है अलग पहचान है। मतलब कोई भी बता सकता है कि ये वुड है या ये आपके मेटल्स हैं, ठीक है? तो एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने यही लिखा है कि आप स्मॉल पीसीस लीजिए पेपर वगैरह के, वुड, कॉपर वायर एंड इन सब के, चॉक वगैरह के। आपको ये बताना है कि किस चीज़ में शाइनिंगनेस है, ठीक है? शाइन को कौन सा मेटल या कौन सा ऑब्जेक्ट करता है इन सब में से, ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है? जब आप इस मेटल को न्यूली लेके आए, ठीक है, बिल्कुल नया लेके आए, तो ये शाइन कर रहा है, ठीक है? कई बार क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये जो है वो डल पड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है, डल पड़ना शुरू हो जाता है, फिर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें शाइननेस है या नहीं है? फिर क्या होगा, फिर आपको जैसे ये मटेरियल था इसको बीच में से कट कर दीजिए, ठीक है? तो जब आप इसे कट करेंगे तो ये जो पोर्शन होगा ना, जो अलग अलग होगा, तो यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो होगी ना, ये शाइन कर रही होगी। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें शाइनिंगनेस है या नहीं, जैसे कि इन्होंने इस उसमें करके दिखाया हुआ है पिक्चर में, ठीक है? तो लश्चर को आप लश्चर के बारे में आपको पता चल जाएगा इसमें, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो इसमें देखिए, इन्होंने बोला है कि जो मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सभी जो है मेटल्स हैं और इनमें लश्चर होता है, ठीक है? मेटल ऑफन लूज देयर शाइन, ये लूज कर देते हैं शाइन और डल पड़ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है, क्यों डल पड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि इनका जो एक्शन होता है एयर एंड मॉइस्चर के कारण, उससे ये डल पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम इनको जो है वो कट करते हैं बीच में से, तो ये दोबारा से इनकी लश्चर का पता चल जाता है कि इनमें शाइनिंगनेस है, ठीक है? उसके बाद जब हम हार्डनेस की बात करते हैं तो दो टर्म्स आएंगी यहाँ पे, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो आप सबको पता है सॉफ्ट चीज़ें क्या होती हैं, जिनको कंप्रेस करने से जो है वो नीचे दब जाए, है ना? हार्ड वो होती हैं मतलब सॉफ्ट वो होती है स्पॉन्जीनेस वाली। आपने स्पॉन्ज देखा होगा, जैसे कॉटन हो गई, कॉटन को आप कंप्रेस करेंगे तो इजीली कंप्रेस हो जाएगी। वही हार्ड चीज़ें वो होती हैं जिनको दबाने से वो दबती नहीं है, ठीक है? स्पॉन्ज लाइक नहीं होती हैं, जैसे आयरन वगैरह हो गया, वुड हो गई, ठीक है? ये सभी चीज़ें जो हैं हार्ड में आती हैं, ठीक है? तो जब हम सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल की बात करते हैं अब हम, तो सोल्यूबल चीज़ें वो होती हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में जो है वो घुल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने वाटर लिया, इसमें कुछ भी सॉल्ट वगैरह डाला, तो अगर वो या इस पानी में घुल जाएगा तो वो सोल्यूबल है, और अगर नहीं घुलेगा नीचे बैठ जाएगा, ठीक है? जैसे सैंड मान लीजिए, सैंड नीचे यहाँ पे इसके बीच में पानी है, ऊपर से सैंड डाली तो ये नीचे बैठ जाएगी, सोल्यूबल नहीं है, तो वो इनसोल्यूबल कहलाएगा, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें आप सबको ही पता है, लेकिन एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि आप दो गिलास ले लीजिए या तीन, इवन कुछ भी ले सकते हैं। एक में सब में आप पानी डाल दीजिए, ठीक है? और फिर इसमें जैसे सॉल्ट डालिए, सॉल्यूशन, सॉरी, शुगर डालिए, ठीक है? और भी कुछ चीज़ें डाल के देखिए, और देखिए इसमें से कौन सी सोल्यूबल है, कौन सी
जो है इनसोल्यूबल है, ठीक है। जैसे सॉल्ट के बारे में बताया हुआ है, डिसअपियर हो जाएगी कम्प्लीटली इन वाटर, इसका मतलब क्या है, ये सोल्यूबल है, ठीक है। ऐसे शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉल्ट, डस्ट के बारे में आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यही बताया है कि जो पानी होता है उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है वो सोल्यूबल हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो सोल्यूबल नहीं होती। जैसे पानी के बीच में अगर आप ऑयल डाल देंगे तो उसकी एक अलग से लेयर बन के आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनसोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। वाटर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के लिए उसकी, ठीक है। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं इजीली इन अवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्टिविटी 5 की। इन्होंने ये बोला है कि आप विनेगर, लेमन जूस वगैरह ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, और टेक अ ग्लास टम्बलर और उसमें पानी भरिए आधा, और उसमें ये सभी सारी चीज़ें डाल दीजिए, जैसे विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, ये सभी चीज़ें डाल दीजिए, और आपको देखना है कौन सी चीज़ सोल्यूबल है कौन सी नहीं सोल्यूबल, ठीक है। तो जब आप विनेगर डालेंगे तो ये कम्प्लीटली मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये सोल्यूबल है। और जो ऑयल्स वगैरह होते हैं वो कभी भी सोल्यूबल नहीं होते, उसकी एक अलग से लेयर आ जाती है, परत आ जाती है, ठीक है। तो आप इस दो बीकर्स में भी देख सकते हैं क्लियरली इसके ऊपर जो है वो लेयर आ चुकी है और ये पूरा मिक्स हो गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी यही लिखा है कि पानी कुछ में तो कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो पानी में बिल्कुल घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुल पाते, उनकी सेपरेट लेयर बन जाती है। उसके बाद सम गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज सम अदर्स आर नॉट, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैसेस जो है वो डिजोल्व होती हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक गैस है जो डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, और ये ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइवल के लिए ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं, मीन्स जो पानी के ऊपर, जैसे मान लीजिए वाटर है इसके ऊपर जो तैरते हैं, टिक जाते हैं, या फिर जो सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमने देखा जो पानी में मिक्स नहीं हो जाते, वो फ्लोट करते हैं, ठीक है, थीके? और कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे तक तह तक डूब जाते हैं ना। तो इन्होंने एग्जाम्पल बहुत सही दे रखा है, ये जैसे आपने लीव्स देखी होंगी जो सूख जाती हैं, ड्राइड लीव्स जो होती हैं वो पानी के ऊपर, पॉन्ड के ऊपर जो है वो ऊपर ही तैरती रहती हैं, ठीक है। और जो स्टोन होता है, आपने कभी पत्थर फेंका होगा पॉन्ड के अंदर कभी, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो वो नीचे तक सिंक हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, इस बीकर में आप देख सकते हैं लीफ जो है, ठीक है, वुड जो है, ये सभी सारी चीज़ें ऊपर हैं और नीचे जो है वो की है, आयरन की होगी, ठीक है। तो ये सारी कॉइन्स वगैरह, सिक्के, स्टोन्स, ठीक है, ये सभी सारी चीज़ें जो हैं वो सिंक हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ना, अगर देखिए यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, लास्ट लाइन पढ़िए इसकी, ठीक है। यहाँ से ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ अ स्टोन दैट यू थ्रो इन द पॉन्ड, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इन टू द ग्लास ऑफ वाटर। तो इन्होंने ये बोला है कि ड्रॉप ऑफ हनी भी डाल के देखिए क्या वो सिंक होती है बीच में पूरी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट चीज़ दिखना, देखिए अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मैन है, बॉय है, इसका जो चेहरा है वो दूसरी साइड में नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये ओपेक है, ठीक है, ये ओपेक है। जब हमें दूसरी साइड से अपना चेहरा, मतलब हमें कोई चीज़ पारदर्शी नहीं है, ठीक है, तो ये ओपेक होता है। और अगर थोड़ा सा धुंधला हो वो ट्रांसक्यूलेंट होता है, और जब हमें दिखना, मतलब साफ दिखना, सामने से साफ दिखे, तो वो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। तो ये सबको ही पता है, ठीक है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। द सब्सटेंसेस मटेरियल, सब्सटेंसेस ऑफ मटेरियल थ्रू विच वी कैन सीन ईजीली, ठीक है। तो वो होते हैं ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आप
एक बॉटल शॉप में जाके, एक शॉप में जाके बॉटल्स जहाँ रखी होती हैं, या फिर ये जार्स आप देख सकते हैं, तो ये जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपने बेकरी की दुकान देखी होगी, बेकरी देखी होगी इवन, तो बेकरी में आपने देखा होगा जो ये होता है पूरा, जहाँ पे ये केक्स वगैरह रखते हैं, ये सारा ट्रांसपेरेंट होता है ताकि सामने से दिख सके कौन सा केक कैसा बना हुआ है, बिस्किट्स वगैरह, है ना। स्वीट्स की शॉप में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए मतलब दिखाई जाती हैं, ताकि ट्रांसपेरेंट इसीलिए रखा जाता है ताकि लोग देख सके कि ये कैसी दिखने में कैसी लग रही हैं, ठीक है। और अगर अगर ना दिखें, ये ना दिखें तो क्या होगा, ओपेक, जैसे मैंने ये बताया, इसका चेहरा देखिए, इस वाले में इसका चेहरा दिख रहा है, इस वाले में इसका चेहरा सामने से नहीं दिख रहा, तो ये ओपेक है, ठीक है। तो जैसे वुडन ब्लॉक, आप कोई भी एक लकड़ी लीजिए, ठीक है, और अपने फेस के आगे रख लीजिए उसे, किसी भी वुडन बॉक्स को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप उस वुडन बॉक्स को ही देख पाएंगे, उसके जो मीन्स पारदर्शी नहीं देख पाएंगे, उसके सामने उसके पीछे क्या है वो नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या कंडीशन कहलाती है, ओपेक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि आप, ये एक एक्टिविटी है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टेक अप शीट ऑफ पेपर, एक शीट लीजिए और इसे जो है वो लाइटेड बल्ब के पास ले जाइए, बल्ब चल रहा हो ना उसके पास ले जाइए और ऑब्जर्व करिए इसे, ठीक है। और उसके बाद इस पेपर के ऊपर 2 या 3 ड्रॉप्स जो है वो ऑयल की स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, लुक अगेन टुवार्ड्स द लाइटेड बल्ब, दोबारा से इसके इसको जो है बल्ब के पास ले जाइए और थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर जहाँ पे आपने ऑयल जो है वो स्प्रेड किया था, ठीक है। अब आप क्या फाइंड करेंगे कि बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, पहले नहीं विजिबल हो रहा था जब हमने ऑयल स्प्रेड किया था, लेकिन अब जो है वो विजिबल हो रहा है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, ऑयल पेपर पे आप इतना क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएंगे। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, परहैप्स नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। द मटीरियल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। अब मैंने बताया था ना, एक होता है ट्रांसकुलेंट, ट्रांसकुलेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि धुंधला दिखना, ठीक है। पहली बार में आपको साफ दिख रहा था, लेकिन जब आप ऑयल लेके जाएंगे तो वो आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है। रिमेंबर द ऑयली पैचेज ऑफ द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट। तो ये आपने, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको ना सेकंड चैप्टर में भी दिया था कि जब हम, जैसे कई बार एल्यूमिनियम फॉइल फॉइल्स आ गए हैं अब तो, जिसमें हम रोटी जो है वो रैप करते हैं, लेकिन पहले जो है न्यूज़पेपर में ही या फिर आप नोटबुक के पेजेस में ही जो मोम मोम है वो रोटी को रैप कर देती हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी फैट वगैरह होता है उसे ट्रांसकुलेंट शीट हो जाती है, थोड़ा धुंधला धुंधला ट्रांसपेरेंट सा लगता है, लेकिन वो ट्रांसकुलेंट होती है, धुंधला धुंधला सा दिखता है, ठीक है। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि उसमें फैट प्रेजेंट होता है, इसकी बात हमने कर ली है, ठीक है। और इसे फैट तो होता है उसमें, ठीक है, फैट के कारण तो होता है, लेकिन ट्रांसकुलेंट भी तो हो गया फिर, ठीक है। उसके बाद ये एक एग्जांपल अच्छा दिया हुआ है कि आपने भी कई बार ये मस्ती की होगी, जैसे टॉर्च लीजिए एक, ठीक है, और उसके ऊपर इसको ब्लो कीजिए, ठीक है, इसको जलाइए, ऑन कीजिए, और यहाँ पे इसके आगे ही अपना हाथ रख लीजिए, तो आपको कैसा दिखेगा, क्या आप देख पाएंगे उसमें से, ठीक है। तो लाइट तो आएगी, आपका रेड रेड हो जाएगा कलर, आपने कभी नोटिस भी किया होगा, तो आपको बताना है ओपेक, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसकुलेंट, क्या आपने नोटिस किया उसमें, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो हम इसमें ये देखें कि जो मटेरियल है वो डिफरेंट है इन अपीयरेंस, और जब जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वाटर एंड लिक्विड को डिजोल्व करेंगे, तो डिफरेंट हमें जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एट होम वी यूजली स्टोर द थिंग्स इन सच ए मैनर
दैट द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। आपने भी कभी नोटिस किया होगा जैसे घर में जो जार्स वगैरह होते हैं जिसमें दालें वगैरह पल्सेस वगैरह रखी जाती हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट उसमें रखी जाती है ताकि पता चल जाए कौन सी दाल किस जार में पड़ी हुई है ना। और बिस्किट कॉर्नर ये सब मैंने बताया आपको, बेकरी की दुकान पे जाएंगे तो बेकरी पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बिस्किट्स के अलग अलग जार्स जो हैं वो पड़े हुए मिलेंगे, जब जहाँ आपको पता चलेगा कि ये कौन से बिस्किट्स है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वो, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स, अब हम लास्ट अपने पार्ट पे आ गए हैं इस चैप्टर की। हार्ड इनसॉल्यूबल लस्चर मटेरियल मेटल्स, ओपेक रफ सॉल्यूबल ट्रांसकुलेंट ट्रांसपेरेंट, इन सब की हमने बात की। समरी में देख लेते हैं क्या क्या है। ऑब्जेक्ट्स जो हमारे अराउंड में सराउंडिंग में है वो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हैं, ठीक है। और गिवन मटेरियल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हैं ही, और ये सिंगल मटेरियल से भी बन सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से भी बन सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल से भी बनने वाले उसके भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा कि वो शाइनिंग होती हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ सॉल्यूबल होते हैं, कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। कुछ ग्लास के बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट जैसे हो गया, ठीक है। कुछ वुड मेटल्स होते हैं वो ओपेक होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांसकुलेंट होते हैं, ठीक है। और इन सब में जो है वो कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होती हैं, यही इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट होती है, हम ज़रूर करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमने चैप्टर को कितना पढ़ा। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जो वुड से बनते हो, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, टेबल चेयर, ठीक है, और टेबल चेयर हो गई, आपका बोर्ड हो गया, ठीक है, कपबोर्ड हो गया, और भी अलमीरा हो गई, ठीक है, कुछ भी 5 ऐसे आप बता सकते हैं। उसके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आपको चुनना है जो शाइन करते हो, ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट, तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। कॉटन शर्ट तो नहीं होगी, इतनी शाइन नहीं करती ये। स्टील स्पून जो है मेटल का बना होता है इसीलिए ये करता है शाइन, ठीक है। प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक में भी कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो शाइन करते हैं, ठीक है, तो इसका भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और ग्लास बाउल जो है ये भी शाइन करता है, ठीक है। और प्लास्टिक टॉय का आप नहीं भी लगा सकते क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लस्चर नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग आप देख लीजिए, आप सबको पता है बुक जो है पेपर से बनती है, टम्बलर जो है वो ग्लास का होता है, चेयर जो होती है वो वुड की बनती है, टॉय जो है प्लास्टिक का, और शूज़ जो हैं वो लेदर के होते हैं, ठीक है।